तरबूज का शेक बनाने के लिए मैंने तरबूज ले लिया है और इसको मैंने इसमें से बीज निकाल लिया है, अच्छे खासे हो गए हैं ये। और मैंने इतना दूध ले लिया, लगभग 1 कप के बराबर दूध है। और ये रूअफ़ज़ा ले लिया 2 टेबल स्पून लगभग। और ये मेरे पास आइसक्रीम रखी हुई है बटर स्क्वाश, इसको भी मैं इसमें यूज करूंगी। तो अब मैं शेक बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मिक्सर जार में तरबूज, तरबूज को बाद डाल दूंगी पूरा इसमें। उसके बाद इसके अंदर हम मिल्क डाल देंगे। मिल्क आप नॉर्मल ले सकते हैं, गरम करके रख दीजिए, ठंडा हो जाए तो आप यूज कर लें उसको। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून लगभग मैं आइसक्रीम इसमें डाल देती हूँ। वन टेबल स्पून इसके अंदर रूअफ़ज़ा डाल देती हूँ मैं। चीनी इसमें 2 टेबल स्पून डाल देती हूँ मैं। अब मैं मिक्सर जार को बंद कर लेती हूँ। अब इसको फाइन होने तक कर लेंगे, अच्छे से फाइन हो जाएगा तब निकालेंगे इसको हम। हमारा तरबूज का जूस तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक ग्लास में। रूअफ़ज़ा डालेंगे, दोनों गिलास में हम थोड़ा थोड़ा रूअफ़ज़ा ऐड कर देते हैं। तरबूज का शेक बनकर हमारा तैयार है। आप लोग गर्मी में ठंडे का लुत्फ़ उठाइए और बहुत अच्छे से शेक बनकर तैयार है।